फाइनली आपने ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिया, आप कॉलेज में जाने वाले हो, आपको एक अच्छा कॉलेज में मिल गया है, बट आप लोगों को ये डाउट है कि यार कॉलेज के चार साल के बाद मेरे को एक अच्छी जॉब चाहिए या मेरे को अपना करियर बनाना है, तो मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्या मेरा रोड मैप होना चाहिए फॉर दीज फोर ईयर्स ऑफ माई कॉलेज सो दैट आई कैन इन्जॉय माई कॉलेज लाइफ, वन थिंग, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉलेज लाइफ फिर से नहीं आती है, एंड सेकेंड थिंग आई कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, आई कैन गेट अ वेरी गुड जॉब एंड फिर मैं अपनी फैमिली के सपने पूरे कर पाऊँ। सो तुम सही जगह पे आए हो, वेलकम टू द चैनल, आई गेस हम निशान चाहर। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई वॉज अ किड लाइक यू जिसने ट्वेल्थ कम खत्म करी थी, उसको एक डिसेंट कॉलेज मिल गया था जहाँ पे उसने कंप्यूटर साइंस करी। मेरे पास कोई बताने के लिए नहीं था, चीज़ें मैंने खुद से एक्सप्लोर करी, काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी, कुछ चीज़ें मैं कर पाया, कुछ चीज़ें नहीं कर पाया, एंड आई वॉज एबल टू क्रैक माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कैंपस एंड दैट टू स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज। तो चलो जल्दी से शुरू करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आप लोगों को सीखनी है, जो आप लोगों को करनी है, जिससे आप माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज भी क्रैक कर सकते हैं आफ्टर फोर ईयर्स ऑफ योर कॉलेज। जल्दी से वीडियो को अपनी स्टार्ट कर देते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप कॉलेज में जाते हो तो पीयर ग्रुप आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किन लोगों के साथ आप रह रहे हो, कैसे आप दोस्त बना रहे हो, अगर आपके दोस्त एम्बिशियस हैं तो आप भी एम्बिशियस होंगे, अगर आपके दोस्त टाइम पास कर रहे हैं या फिर आपके दोस्त चिल करते रहते हैं या फिर आपके दोस्त सोते रहते हैं हॉस्टल में, क्लासेस नहीं जाते हैं, तो यू आर टेंड टू डू द सेम थिंग्स आफ्टर सम टाइम, तुम ज़्यादा रिजिस्ट नहीं कर पाओगे। द सेइंग दैट यू आर एवरेज ऑफ फाइव पीपल यू आर सराउंडेड बाय इज वेरी 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 ट्रू। तो वो पांच लोगों का जो आप सर्कल बनाओगे कॉलेज में जाने के बाद, ट्राई करना अच्छे लोगों को रखो, बट सारे ऐसे नर्ड्स मत रखना, सारे नर्ड दोस्त मत बना लेना, क्योंकि फिर कॉलेज में मस्ती कैसे करोगे। सो हैव अ वेरी गुड सर्कल, बैलेंस्ड दोस्त बनाने का ट्राई करना, सभी बदमाशी वाले नहीं और सारे ही ऐसे पढ़ाकू वाले नहीं, अच्छी कॉलेज लाइफ के लिए मेक अ मिक्स ऑफ फ्रेंड्स एंड जिस टाइम पे जो चीज़ करना इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे वही करो। अब आ जाते हैं फर्स्ट ईयर पे। अब आप लोगों का जब फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो पहले हम डिसाइड करेंगे आप कौन से कॉलेज में हो, कौन से टीयर ऑफ कॉलेज में हो। टीयर वन कॉलेज वो होते हैं जिनमें आपके कॉलेज में कंपनीज आती हैं फॉर प्लेसमेंट्स। अगर आप इस टाइप के किसी कॉलेज में हो जहाँ पे कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं, अभी आपको कैसे पता चलेगा, किसी भी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के सीनियर को पकड़ो, उनसे पूछो कि हमारे कॉलेज में कंपनीज आती हैं या नहीं आती हैं, सच्ची बताना, जो प्लेसमेंट सेल ने शुरू में सेल कर दी थी ड्रीम्स वो एक्चुअली ट्रू है कि नहीं है। ये पता करने के बाद आपको पता चल जाएगा आप ए कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे कंपनीज कॉलेज में आ रही हैं, बी कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे कंपनीज कॉलेज में नहीं आती हैं। पहले हम बात करेंगे जहाँ पे कंपनीज कॉलेज में आती हैं, ए कैटेगरी। यहाँ पे आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स सीखने से पहले आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी टू गेट इनटू दीज कंपनीज, टू गेट इनटू योर ड्रीम कंपनीज। अब लैंग्वेज सीखने के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, C++ है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, C# है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, कौन सी आप लोगों को सीखनी चाहिए। तो जनरली जो मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेजेस होती हैं वो दो होती हैं आपकी, C++ और जावा। मैंने C++ करी थी क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे सीनियर्स ने बोला था कि यार C++ कर लो, ज़्यादा स्कोप है, बट बाद में रीसेंट धीरे धीरे मेरे को समझ आया कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप C++ करो या जावा करो, कंपनीज़ को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर लैंग्वेजेस होती हैं। अब जावा से आप स्टार्ट कर सकते हो, AlgoPrep का यूट्यूब चैनल है, अराउंड 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, वहाँ पे हमने एक प्लेलिस्ट डाली हुई है जहाँ पर जावा बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई हुई हैं, उसको आप देख सकते हो, वहाँ से आप अपना जावा पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोर्सेज वगैरह एक्सप्लोर करने हैं तो AlgoPrep.in पे भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, DSA के, वेब डेवलपमेंट के, अलग अलग चीज़ों के, तो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। तो ए ऑप्शन में सबसे पहले आप लोगों को एक लैंग्वेज सीखनी है, लैंग्वेज सीखने के बाद आपको DSA सीखना है। DSA में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपकी ट्रीज होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, DP होती है, बैक ट्रैकिंग होती है, इसके अलावा हीप्स होते हैं, क्यूज होते हैं। तो ये आप कोई भी जब एक कोर्स उठाओगे या फिर ऑनलाइन प्लेलिस्ट उठाओगे तो आप लोगों को वहाँ पर टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 6 महीने देखे इनको अच्छे से सीखना है, DP तक के आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ, देन आप लोगों को समझ आ जाए कि हाँ भाई मेरा काम हो गया, आई एम गुड विद DSA, डिसेंट आप बन जाओगे, बट आपको फिर कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स आप अपने प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ मैंने एक 3 मंथ्स का रोड मैप बनाया हुआ है जिससे आप अपनी स्टार्टिंग जर्नी DSA की वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ पे सब रिसोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल हैं, उसका लिंक आई बटन में भी आ रहा होगा वीडियो का और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। सो फर्स्ट ईयर में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि आप सोसाइटीज़ या क्लब्स ज्वाइन करो। हर कॉलेज में ना डिफरेंट तरीके के क्लब्स होते हैं, किसी का कोडिंग क्लब
मतलब होता है, किसी का ड्रामेटिक्स होता है, किसी का म्यूजिक होता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप अच्छे हो, उसमें डेफिनेटली ऑडिशन दो, ट्राई करो एंड ज्वाइन करो। अब इससे क्या होता है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी इंप्रूव हो जाती हैं। मैं खुद कॉलेज के टाइम पे 3 सोसाइटीज़ में था एंड बाय द एंड ऑफ द 4 ईयर्स आई वॉज प्रेजिडेंट ऑफ ऑल 3 सोसाइटीज़ एंड आई कैन टेल यू कि इट हेल्प मी अलॉट। मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए थे, तुम देख सकते हो मैं कैमरा से कितने फ्लुएंटली बात कर पा रहा हूँ, पहले ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाता था। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर में करनी है। अब आ जाते हैं बी ऑप्शन पे कि अगर आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आती हैं देन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डेवलपमेंट सीखनी पड़ेगी। डेवलपमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपका वेब डेवलपमेंट होता है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, इसके अलावा iOS होता है, तो कौन सा चूज़ करना चाहिए? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्या चूज़ करूँ मैं? सबसे ईजी होती है वेब डेवलपमेंट, थोड़ा बहुत HTML CSS सीखना आसान होता है, स्टार्ट करना आसान होता है, तुम्हें जल्दी समझ आने लग जाएंगी चीज़ें, तो यू कैन स्टार्ट विद वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट से जब आप लोग स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, पहले आपको सीखना पड़ेगा HTML CSS JavaScript। इतना बेसिक सीखने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपको सीखनी होती है वो आप या तो आप React सीख सकते हो या Angular सीख सकते हो। जनरली आजकल React ज़्यादा यूज़ होता है तो React को आप प्रेफर कर सकते हो। तो यहाँ तक आप बन जाओगे फ्रंट एंड इंजीनियर। इसके बाद आप फुल स्टैक बनना है तो आपको बैक एंड सीखना पड़ेगा, डेटाबेसिस के बारे में सीखना पड़ेगा। तो बैक एंड के लिए आप मल्टीपल फ्रेमवर्क्स होते हैं, एक आपका Node.js होता है, एक आपका स्प्रिंग बूट होता है, इसके अलावा आपका जैंगो होता है, फ्लास्क होता है। तो जैंगो और फ्लास्क आपके पाइथन में होते हैं, ठीक है। आपका जो Node.js होता है वो जावास्क्रिप्ट में होता है एंड आपका इसके बाद जो फाइनली स्प्रिंग बूट होता है वो जावा में होता है। तो अगर आपने अभी तक जावास्क्रिप्ट पहले सीख लिया तो डायरेक्टली आप Node.js से स्टार्ट कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है डेटाबेस। डेटाबेस भी दो टाइप के होते हैं, एक SQL होता है, एक NoSQL होता है। SQL में वो एक्चुअली SQL ही डेटाबेस होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। दूसरा आपका होता है NoSQL डेटाबेस। सबसे ज़्यादा पॉपुलर NoSQL डेटाबेस हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है MongoDB। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक सीख सकते हो, देन यू कैन कॉल योरसेल्फ अ फुल स्टैक डेवलपर ऑन पेपर। जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे अच्छे तो आप अच्छे एक फुल स्टैक डेवलपर नहीं बन पाओगे, बट ये 6 मंथ्स में आप ये सारी चीज़ें सीख पाओगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप बी कैटेगरी से आते हो तो आपको पहले डेवलपमेंट सीखनी है, अगर आप ए कैटेगरी से आते हो तो आपको DSA सीखना है, नेक्स्ट सेमेस्टर में दोनों को स्वैप कर देना है। तो जिसने पहले DSA सीखा है वो बाद में डेवलपमेंट सीखेगा, जिसने बाद में डेवलपमेंट सीखा तो बाद में DSA सीख लेगा। इससे आपकी फर्स्ट ईयर में DSA और डेवलपमेंट के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, दोनों की फिर आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, हैकाथॉन्स में जाना है हम लोगों को, इसके अलावा हम लोगों को LeetCode पे प्रैक्टिस करना है, LeetCode के कॉन्टेस्ट देने हैं। DSA की प्रैक्टिस के लिए हर वीकेंड आप LeetCode पे कॉन्टेस्ट दे सकते हो, सुबह सुबह होता है कॉन्टेस्ट, तो एंड यू विल गेट बेटर विद DSA एवरी, जब आप हर हफ्ते दोगे तो आप बहुत सारे कॉन्टेस्ट दे दोगे एट द एंड ऑफ द 4 ईयर्स। एंड थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जब आप कंपनीज के लिए टेस्ट दे रहे होगे तो वहाँ पे DSA पूछा जाएगा एंड दिस विल हेल्प यू क्रैक दोज टेस्ट। अब हम आ गए हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में हमें क्या करना है, हमें हैकाथॉन्स में जाना है। हैकाथॉन क्या होती है, एक कोडिंग कॉन्टेस्ट टाइप का होता है जहाँ पे आपको 24 आवर्स या 48 आवर्स मिलते हैं, एक दिन या दो दिन पूरा मिलता है, टू बिल्ड अ स्मॉल प्रोडक्ट या फिर उसका प्रोटोटाइप। उसको आपको पिच करना होता है, उसके लिए प्रेजेंटेशन बनानी होती है, वो सब चीज़ें सीखनी होती हैं। काफ़ी हैकाथॉन्स में आपको थीम्स मिलती हैं, काफ़ी हैकाथॉन्स में आपको थीम्स नहीं मिलती हैं। तो जिसमें थीम्स नहीं मिलते हैं आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, थीम्स मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। अभी ये हैकाथॉन्स कहाँ पे मिलेंगी, कहाँ पे जाऊँ मैं इन हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए? तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं वेबसाइट्स के, जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा कॉलेजेस को आपको देखते रहना, अलग अलग कॉलेजेस के कोडिंग क्लब्स होते हैं जो हैकाथॉन्स कंडक्ट कराते रहते हैं। तो सबसे पहले डेव फोलियो हो गया, फिर डेव पोस्ट हो गया, इसके अलावा आपका अनस्टॉप हो गया, इन 3 वेबसाइट्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। इन 3 वेबसाइट्स पे आप लोगों को हैकाथॉन्स मिलती रहेंगे, लिस्ट होती रहेंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों यहाँ पे लिस्ट हो रही होती हैं एंड यहाँ पे आप रजिस्टर करके एक्चुअली जा सकते हो इन हैकाथॉन्स में। फर्स्ट मोस्टली जो राउंड होता है वो आपका ऑनलाइन होता है, अगर आप ऑनलाइन में क्लियर कर लेते हो देन आपको ऑफलाइन जाना पड़ता है फॉर दिस हैकाथॉन। तो सेकंड ईयर में हम यही करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम हैकाथॉन्स में जाएंगे एंड अच्छे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगे। हैकाथॉन्स में जाकर प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे तो हमारा रिज्यूमे काफ़ी अच्छा बिल्ड हो जाएगा। अब रेज्यूमे कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में आ रही होगी, उसको जाके देखना, उससे आप लोगों को समझ आएगा रेज्यूमे में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कैसे आप बना सकते हो। अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, देखना चाहो तो देख भी सकते हो, तो वहाँ से आपकी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेकेंड ईयर के एंड में जनरली इंटर्नशिप्स के लिए लोग अप्लाई करते हैं। अगर आप ए कैटेगरी के स्टूडेंट थे जहाँ पे कॉलेज में कंपनीज आती हैं तो सेकेंड ईयर के एंड में आपके कॉलेज में कंपनीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी इंटर्नशिप के लिए। तो आप सेकेंड ईयर के बाद ही डायरेक्टली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे एंड आप अपनी उन कंपनीज में जाके लाइक एक्चुअली इंटर्नशिप में काम कर रहे होगे एक साल बाद।
तो अगर आप उसमें हो, कैटेगरी में हो, तो आप अच्छे लेवल पे होगे, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली होगी, आपके पास प्रोजेक्ट्स भी अच्छे होंगे, तो आप क्रैक कर लोगे 100%। अगर आप बी कैटेगरी में हो, तो आपको सामने से कोल्ड रीच आउट करना पड़ेगा और लिंक्डइन ईमेल्स वगैरह निकाल के एंड लोगों को ढूंढना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि मेरे को आपकी कंपनी में अप्लाई करना है। इसके लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, naukri.com एक वेबसाइट है, फिर हमारे लिंक्डइन एक वेबसाइट आ जाती है, इसके अलावा वेल फाउंड एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको स्टार्टअप्स, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स पे जॉब्स मिल जाती हैं। तो आपको अप्लाई करना होगा, आपके इंटरव्यूज वगैरह होंगे, इंटरव्यूज वगैरह क्लियर करने के बाद आपको इंटर्नशिप मिलेगी। थर्ड ईयर आपका मोस्टली इस चीज़ में निकल जाएगा जब आपको इंटर्नशिप वगैरह मिल रही होगी एंड आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, आप गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स कर सकते हो, रिसर्च इंटर्नशिप्स कर सकते हो, जैसे इसरो है, DRDO है, यहाँ पर भी इंटर्नशिप्स वगैरह होती हैं, तो इनकी वेबसाइट पर जाके, पोर्टल पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको लिंक्डइन पर रीच आउट करो कि आई वॉन्ट टू वर्क एट इसरो, मैंने इस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, दिस विल हेल्प और नॉट, चेक करो पिछली बार जो लोग सेलेक्ट हुए थे या पहले जिन्होंने इंटर्नशिप करी है उन्होंने कैसे करी। तो जब तक आप सेकेंड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर स्टार्ट हो चुका होगा, तो आप मैच्योर हो जाओगे थोड़े से, तो आपको ये सारी चीज़ें धीरे 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 करनी आ जाएंगी। तो ये सब करते करते हमारा थर्ड ईयर मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड ईयर में भी हमें DSA की प्रैक्टिस कंटिन्यूअस रखनी है। इसके अलावा यार, तीन साल में आपको मस्ती तो करनी है, आप फेस्ट में जाओ, फेस्ट में पार्टिसिपेट करो, चीज़ें ऑर्गेनाइज करो, क्लब्स ज्वाइन करो, सोसाइटीज ज्वाइन करो। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ईयर खत्म होगा। अगर आप लोगों की इंटर्नशिप नहीं लगी तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना और हैकाथॉन्स में जाना, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते रहना। देन फोर्थ ईयर के स्टार्ट में कंपनीज विल कम टू ए कैटेगरी कॉलेजेस अगेन फॉर प्लेसमेंट्स। अगर आप लोगों को PPO मिल जाता है, PPO इज प्री प्लेसमेंट ऑफर, इसका मतलब है आपने जहाँ पे इंटर्नशिप करी वहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया कि भाई तुम आ जाओ मेरी कंपनी में। TCS also pays 12 LPA, ठीक है, 12 लाख पर annum, जो उनके टॉप प्रोफाइल ड्रॉप रोल होता है वहाँ पे आपको सैलरी मिल रही होती है। तो ऐसा नहीं है कंपनीज पैसे नहीं देती है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करोगे उस हिसाब से आपको पैसे मिल रहे होंगे। इसके बाद फाइनली अगर आपको एक अच्छे स्टार्टअप में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, तो आपको हैकाथॉन्स में इनके भी पार्टिसिपेट करना होगा। जितने भी मैंने वेबसाइट स्टार्टिंग में बताई थी, वन ऑफ देम इज अनस्टॉप, यहाँ पे अलग अलग कंपनीज के चैलेंजेस होते रहते हैं, हैकाथॉन्स होते रहते हैं। फ्लिपकार्ट ग्रिड करके है, जिससे फ्लिपकार्ट में डायरेक्टली आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मिंत्रा की भी सिमिलर एक हैकाथॉन होती है, एंड ऐसे ही बहुत सारी और कंपनीज की भी होती हैं। सो दैट इज़ अ डिफरेंट वे, डिफरेंट रूट, जिसके थ्रू इन कंपनीज में आप जा सकते हो। सो फर्स्ट जॉब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, फर्स्ट जॉब इज जस्ट टू गेट यू स्टार्टेड। एक बार आपको पहले जॉब मिल गई, उसके बाद जो आपका कॉम्पिटिशन है वो कंपेरेटिवली कम हो जाता है। तो पहली जॉब बस लो, जितनी बेस्ट तुम निकाल सकते हो उतनी बेस्ट निकालो, बट स्ट्रेस मत लो, ठीक है। स्ट्रेस से सारी चीज़ें ख़राब ही होती हैं, तुम अपने आप को सेल्फ डाउट करने लग जाते हो, चीज़ें अच्छी नहीं कर पाते हो। डोंट वरी, एंड क्या पता जब तक तुम फोर्थ ईयर कंप्लीट करो, तैयारी एल्गो प्रेप में से कोई एक स्टार्टअप बहुत बड़ा बन जाए एंड मैं ही तुम लोगों को हायर कर दूँ। सो दिस इज द होल फोर ईयर्स का रोड मैप इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू फास्ट ट्रैक योर जर्नी एंड लर्न थिंग्स लाइक वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड, इसके अलावा आपको DSA सीखना है, तो डू चेक आउट algoprep.in। वहाँ पे हम काफ़ी अमेजिंग ऑफरिंग्स आप लोगों के लिए और जल्दी लाने वाले हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 अफोर्डेबल ऑल्सो। तो तुम एक कम्युनिटी वगैरह ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हम पोस्ट करते रहते हैं। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए